वो तो संतोष मिश्रा जी बताएंगे, क्योंकि इनका जो कार्य है वो फील्ड है। इन्होंने हमें सौंपा कि भैया गाना बना के दो, और चूंकि अम्रपाली जी भी अपने आप में मजी हुई एक्ट्रेस हैं, हमारी भोजपुरी में एक नया, क्या बोलें उसको, एक नई बहार है वो भोजपुरी। विगत एक दो सालों के अंदर अम्रपाली जी के आने के साथ एक नया, क्या बोलते हैं, जब फोन मोबाइल डिस्चार्ज जाता है तो उसको चार्जर से कनेक्ट जैसे करते हैं, वैसे एक बूस्टर बन के आई हो, एक नई फ्रेशनेस, अपने आप में बेहतरीन अदाकारा हैं, और उनके साथ जो दिनेश लाल की जोड़ी हुई है उसको लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। लगातार सीरीज ऑफ फिल्म से हैं, 5-6 फिल्में जो बहुत बड़ी हिट हुई, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला 2, पटना टू पाकिस्तान संतोष मिश्रा जी की, उसके बाद अभी ये बम बम बोल रहा है काशी, तो उस जोड़ी को देखना बहुत लोग पसंद करते हैं। और जैसे हम लोगों को पता चलता है कि जिस फिल्म के लिए संगीत हम बना रहे हैं उसमें इन दोनों जोड़ियों का संगम है, तो अपने आप काम करने का मजा और दोगुना हो जाता है। देखिए, जिस ढंग से दर्शक उनको पसंद करते हैं उसी आंकड़े के अंदर रखा गया है, और करेक्टर में नयापन लाने की कोशिश की गई है, और उन दोनों लोगों ने जो काम किया है पहले से बहुत बेहतर और बहुत मजे हुए कलाकार की तरह, करते करते हमारा अनुभव जैसे अच्छा होता जाता है, तो उन्होंने बेस्ट किरदार निभाए हैं कि लगता है कि नहीं और फिल्मों से एकदम अलग किरदार, और ख़ासकर मेरे पटना से पाकिस्तान के बाद उनका ये काम पटना से पाकिस्तान से एकदम ही अलग है। बम बम बोल रहा है काशी का दोनों कैरेक्टर है, और दोनों लोग कैरेक्टर में बहुत बेहतर तरीके से जिए हैं, और एक अच्छा सिनेमा बनाने का प्रयास हुआ। क्या होता है कि हमको ना अपने ही काम पे ना, जो इसके पहले हम काम करते हैं, अगर हम उस पर रिसर्च करें तो हमको पता चल जाता है कि हमारी कौन कौन सी कमी ना उसमें हमारी गलतियाँ दिख जाती हैं, और उसको फिर से आप स्टडी करिए और उसको सुधार के फिर बेहतर तरीके से नया काम करिए, तो अपने आप आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप पीछे काम पर अगर वर्क जा रही है आपका और अपनी गलतियों को आप देखते जा रहे हैं कि हमसे क्या चूक हुई थी, फिर भी दर्शक हमको सराह रहे हैं और फिर बेहतर मौका दे रहे हैं। बेहतर मौका पाने के लिए पुराने चीज़ों को पढ़ना होता है, और आगे आप काम करें, बेहतर काम होगा, अलग काम होगा और अच्छा काम होगा। मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका निर्देशन संतोष जी कर रहे थे, तो लोग एक एक मिलते गए और सब अच्छे अच्छे लोग जुड़े और एक अच्छा फिल्म हमने बनाया है, और किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी आर्टिस्ट से मुझे कोई तकलीफ हुई ही नहीं, सब ने दिल से काम किया इसमें, किसी ने अपना मतलब कोई किस्म की रंजिश नहीं, कोई शिकायत नहीं, सब ने अपना सर्वस्व दिया, सबके परफॉर्मेंस से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन अंत जनता के हाथ में है, जनता खुश होनी चाहिए। सर हमारे तारीफ भी कर दीजिए थोड़ा। रजनीश जी की म्यूज़िक दिल को छू लेने वाली म्यूज़िक है, पूरी टीम पूरी टीम ने दिल लगाकर मेहनत किया है, चाहे वो रफीक भाई हों, उदय जी हों, नरसू जी हों, जितने भी मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, दिनेश जी, अम्रपाली जी, अंतरा बनर्जी, प्रकाश जैस, मनोज टाइगर, संजय पांडे, सब ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ईश्वर से ये दुआ करूँगा कि जनता प्यार से इस फिल्म को देखे और एक सफल फिल्म साबित हो। केवल पिक्चर्स की इन हाउस टीम को, उनको मैं सलाम करता हूँ, जो निखित जी के नेतृत्व में काम करती है और पारस जी उसका सुपरविजन करते हैं, और मधु मैम ऑब्वियसली नेतृत्व करती हैं उनका, तो ये मेरी इन हाउस टीम जो पर्पल पीपल पिक्चर्स दिन रात जो उन्होंने काम किया, हर एक सदस्य का उनके पास बैंक डिटेल था कि हम अगर किसी को चेक देंगे तो वो 3 दिन क्यों रुके, तो डायरेक्ट हम उसका अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफ़र करते, और आपका मेहनताना अगर टाइम पे मिले तो आप दिल से परफॉर्मेंस करते हो, ये पर्पल पीपल पिक्चर्स का मानना है। और पीसी मैम का कहना है कि पसीना सूखने से पहले उसको उसका मेहनताना मिल जाना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, लोग खुश होने चाहिए, वो हमने भरपूर प्रयास किया और एक अच्छी फिल्म का निर्माण किया है। अब फिर वही कहूँगा, इस फिल्म में एक माता रानी का ब्लेसिंग है, हर कुछ चमत्कार के रूप में हुआ है, जनता से भी एक चमत्कार की उम्मीद है, आप लोग भारी से भारी मात्रा में इस फिल्म को देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपको एक के बाद एक फिल्म देते रहें।
तो पहले दर्शकों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को, रवि जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया दो स्पेशल सॉन्ग बनाने के लिए। इन लोगों ने मुझे मौका दिया और हमने प्रयास किया। कमर्शियल सॉन्ग है, एक आइटम सॉन्ग है और दूसरा अब पेपी सॉन्ग है, जो फेसबुक पे पिक डालती हैं लड़कियां आजकल ऐसे चूँच निकाल के, तो उस पर हमने एक गाना बनाया है और पब्लिक का बड़ा प्यार मिलने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे गाने वो आगे आएंगे सामने, ऑडियंस का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मतलब एकदम लेटेस्ट नए अंदाज के हैं, नए ज़माने के हैं। काशी की, अरे हम लोग काशी किनारे वाले हैं, गंगा किनारे वाले हैं हमारे म्यूज़िक के हर रग रग में वो वहाँ की झलक है, वहाँ की क्षेत्रीयता है, वहाँ का फोक है तो बड़ा थोड़ा सा भी आएगा। एक आइटम हमने बनाया है, हर हर घड़ी सैया, हर घड़ी सैया रहे हमारा पे हावी, हो हमारा पे हावी बुलेरो के चाबी से, हो बुलेरो के चाबी से खुद देला ना भी, बुलेरो के चाबी से खुद देला ना भी, बुलेरो के चाबी से। कमर्शियल गाना है ये। हम लोग काम करते हैं ऑडियंस के लिए ही और ऑडियंस हमारे लिए भगवान है। मैं चाहूँगा जेने तेने खड़ा होके चोंच निकाला तारू, हर घड़ी फैशन में बाबी डूबल रहा तारी। चोंच निकालना मतलब हमेशा फेसबुक पे ऐसे लोग पिक लेते हो ना उसे करके तो उसपे, जेने तेने खड़ा होके चोंच निकाला तारी, हर घड़ी फैशन में बाबी डूबल रहा तारी, खूबे सेल्फी में फोटो खिंचाव तारी, अरे फेसबुक पर लाइक बढ़ाव तारी, खूब सेल्फी में फोटो खिंचाव तारी, अरे फेसबुक पर लाइक बढ़ाव तारी। थैंक यू।